क्या है पॉक्सो एक्ट, इसके बारे में तो लगभग सभी को पता चल गया होगा कि ये वो कानून है जिसमें अगर कोई दरिंदा किसी नाबालिग के साथ जघन्य अपराध करता है तो उसको फांसी की सजा होगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इस कानून का लोगों में इतना डर होता तो शायद इस तरह की खबर सुर्खियों में नहीं आती। क्या पॉक्सो एक्ट के बाद वाकई कोई कठुआ कांड दोबारा नहीं होगा? क्या इस एक्ट के बाद देश की बेटियां अपने को महफूज समझेंगी और पॉक्सो एक्ट के बाद वाकई इस तरह की कोई अमानवीय हरकत नहीं होगी? ये सवाल हर किसी के जहन में उठ रहा होगा। लेकिन एक सवाल ये भी है कि सरकार पर उंगली उठाने से पहले अपने अंदर एक बार झांक कर देखो कि हम एक बेहतर समाज में रहकर क्या कर रहे हैं, क्या ये हमारे समाज को शोभा देता है? हर कोई कहेगा नहीं, तो जब सभी का जवाब एक ही है कि हमारे देश एक ऐसा देश है जो एक बेहतर समाज में बना है, तो इन हरकतों का दोषी कौन है? सरकार, सिस्टम, सत्ताभोगी लोग या फिर समाज? क्योंकि ये वो हरकत है जो सरकार से लेकर समाज तक सबको गंदा कर देती है। अगर आज हम सबको एक बेहतर समाज चाहिए जहां पर हमारी बेटियां सुरक्षित रहें, तो अपनी सोच को बदलें। अगर सोच बदलोगे तो समाज खुद ब खुद बदल जाएगा। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।